हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिमेश और आज मैं आपके लिए और एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आपने मेरा पिछला एक्सपेरिमेंट देखा होगा, ऑप्टिक्स के ऊपर बेस्ड था, जिसमें वो कलर चेंजिंग हो रहा था। अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा और खुद ट्राई भी कीजिएगा। अच्छा अच्छा रीजन भी आप लोगों ने मुझे दिया था, अच्छा लगा। जिसने वो एक्सपेरिमेंट नहीं देखा तो वो वाला आप देख लीजिएगा। आज भी मैं वैसे ही एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट आपके लिए लेकर आया हूं। तो ये एक्सपेरिमेंट मैग्नेट्स के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए ये एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चाहिए देखते हैं। तो श्योरली आपको ये एक्सपेरिमेंट में एक मैग्नेट की जरूरत होगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर रिंग मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया है, बड़ा बड़ा रिंग मैग्नेट्स। आपको एक चीज याद रखना है कि पावरफुल मैग्नेट्स आपको यूज करना है, ऐसे पावरफुल मैग्नेट्स। इससे और भी अगर पावरफुल हो सकता है तो अच्छी बात है, ताकि आपको ऑब्जर्वेशन और अच्छे से मिले। तो यहाँ पर देखिए, मैं दो बड़ा बड़ा रिंग मैग्नेट्स यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसे थोड़ा सा सेफली यूज कीजिएगा। और फिर ये है एक टेस्ट ट्यूब, आपको एक टेस्ट ट्यूब यूज करना है। और टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए आप ऐसे थर्मोकोल में ऐसे आप एक होल कर सकते हैं, उसमें आप ये टेस्ट ट्यूब को ऐसे फंसा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और टेस्ट ट्यूब आप होल्ड कर सकते हैं। और आपको चाहिए होगा वेजिटेबल ऑयल। ये देखिए, कोई भी ऐसा वेजिटेबल ऑयल आपको चाहिए होगा, वेजिटेबल ऑयल। और आपको चाहिए एक टब, जिसमें कि आपको रखना है टैप वाटर, जिसमें कि आपको टैप वाटर रखना है। तो चलिए ये एक्सपेरिमेंट क्या है और कैसा है इसे समझते हैं और शुरुआत करते हैं। चलिए चलते हैं हमारे सेटअप की तरफ। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए अपने सेटअप की तरफ। ये रहा हमारा टब, जिसमें कि हमने टैप वाटर यहाँ पर फिल कर दिया। ये देखिए टैप वाटर, ये वाला। और यहाँ पर हमारा टेस्ट ट्यूब है, जिसमें कि हमने वेजिटेबल ऑयल, देखिए इतना तक वेजिटेबल ऑयल हमने फिल कर दिया है। और इसको थर्मोकोल के माध्यम से हमने इस वाटर के ऊपर फ्लोट करवाया, ये देखिए, ताकि आप ऑब्जर्वेशन को और अच्छी तरीके से नोटिस कर सके। तो चलिए इसको हम लोग सेंटर में लाते हैं यहाँ पर। और ये रहा हमारा रिंग मैग्नेट। तो अब देखिए, जब मैं इस रिंग मैग्नेट को इस टेस्ट ट्यूब के पास लूँगा, तब देखिए क्या फेनोमेना होता है। और उसको अच्छे से माइन्यूटली ऑब्जर्व करें और सोचे कि ये क्यों हो रहा है। तो अब देखिए, हमारा ये टेस्ट ट्यूब एकदम कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर वाटर का कोई मूवमेंट भी नहीं है। तो अब चलिए मैग्नेट को टेस्ट ट्यूब के पास लेते हैं। तो ये देखिए, मैं मैग्नेट को टेस्ट ट्यूब के पास ले रहा हूँ और देखिए क्या होता है। ये मैंने मैग्नेट को टेस्ट ट्यूब के पास लिया और ये देखिए कैसे टेस्ट ट्यूब मैग्नेट से दूर जाता जा रहा है। ये देखिए, मैं फिर से इसको पास ले रहा हूँ और ये देखिए वाटर का देखिए कोई मूवमेंट नहीं है, खुद टेस्ट ट्यूब मैग्नेट से दूर जा रहा है। ये देखिए टेस्ट ट्यूब में है वेजिटेबल ऑयल और ये टेस्ट ट्यूब मैग्नेट से खुद दूर जा रहा है अपने आप। ये देखिए उसका डिस्टेंस मैग्नेट से कैसे दूर जा रहा है। इसका मतलब टेस्ट ट्यूब मैग्नेट से रिपेल हो रहा है। ये देखिए टेस्ट ट्यूब कैसे मैग्नेट से रिपेल हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में है वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल इस रिंग मैग्नेट से रिपेल हो रहा है, तो ये किस तरीके से हो सकता है। तो इसे आप सोचिए, खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए और फिर इसका रीजन मुझे टेक्स्ट करें। सो फ्रेंड्स, देखा ये एक्सपेरिमेंट कितना इंटरेस्टिंग था। जब हम लोग वो मैग्नेट को वो टेस्ट ट्यूब के पास लेते जा रहे थे, वो कैसे रिपल्सन शो कर रहा था। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर था वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल मैग्नेट से रिपल्सन शो कर रहा था। तो ये वेजिटेबल ऑयल में ऐसा क्या है कि वो मैग्नेट से रिपल्सन शो कर रहा था। तो आप खुद इसे सोचे समझे और ये खुद एक्सपेरिमेंट करके भी देखे और ट्राई करें आंसर करने के लिए कि क्यों ये रिपल्सन शो कर रहा था, वेजिटेबल ऑयल मैग्नेट से क्यों रिपल्सन शो कर रहा था। और रिपल्सन और अच्छी तरीके से भी हम लोग देख सकते थे अगर ये मैग्नेट और भी पावरफुल होता। तो आपके पास अगर और भी पावरफुल मैग्नेट है तो आप उससे ट्राई करें और ये रिपल्सन और अच्छी तरीके से स्टडी करें। तो हमेशा की तरह मैं ये एक्सपेरिमेंट भी HC वर्मा सर को डेडिकेट करना चाहूँगा। मैं उनका लेक्चर्स देखता हूँ और उन्हीं का लेक्चर्स में ये सिंपल एक्सपेरिमेंट सर करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है। तो HC वर्मा सर, थैंक यू, आप ऐसे अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स और करते रहें और हम आपसे सीखते रहें। थैंक यू।